हेलो दोस्तों, एक बार फिर से नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज हम एक ऐसे स्टॉक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जो कि केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है। दोस्तों इस स्टॉक ने अभी तक जैकपॉट साबित हुआ है। दोस्तों जब स्टॉक की प्राइस ओनली हमें 600 रुपए के आसपास में ट्रेड करते हुए देखने मिला था, वहां से आप लोग को वीडियो बनाकर डिस्कस किया था दोस्तों इस स्टॉक में हमें खरीदारी करना चाहिए, फ्यूचर में इसका प्राइस यहाँ से काफी आगे जाती हुई देखने को मिल सकता है। दोस्तों इसका प्राइस हमें 3000 के आसपास में जाती हुई देखने मिला था और वहां से काफी शानदार तरीके से इस स्टॉक ने गिरावट शो किया, जिसके वजह से फिलहाल इसका प्राइस 2000 के निचले स्तर पे हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों फ्यूचर में इसका प्राइस फिर से यहां से काफी आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो चलिए इस स्टॉक से हम सारे इन्फॉर्मेशन एक बार देखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरे जो भी वीडियो आएगा नेक्स्ट उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोग से डिस्कस कर रहा हूँ दीपक नाइट्राइट लिमिटेड की रिगार्डिंग। यहाँ पे देख सकते हो आज की ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक ने 2% से एवप का काफी शानदार तरीके से गिरावट शो किया है। हालांकि बात करें पिछले 6 मंथ में तो इस स्टॉक ने 6 से 7% के आसपास का गिरावट शो किया है। दोस्तों बात करें पिछले 1 साल का इसका प्राइस है ग्राफ का, तो पिछले 1 साल में इस स्टॉक ने ओनली हमें 12% के आसपास का मुनाफा दिया है। हालांकि बात करेंगे पिछले 5 ईयर के इसका प्राइस है ग्राफ का, तो यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें मुनाफा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 1300% से एबव का काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से इस स्टॉक ने अभी तक मुनाफा दिया है पिछले 5 ईयर में। वही हम बात करेंगे सबसे अधिक दिनों का इसका प्राइस है ग्राफ का, तो यहाँ पे भी काफी अच्छा खासा हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों जिस तरीके से यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिल रहा है, फिलहाल इंटायर सेक्टर में हमें गिरावट देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से इस स्टॉक ने भी अच्छा खासा गिरावट शो किया है। हालांकि दोस्तों फ्यूचर में इस स्टॉक में काफी शानदार तरीके से हमें रैली देखने को मिलेगा। दोस्तों हम बात करेंगे आज के ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक में कितना परसेंट का हमें खरीदारी होते हुए देखने को मिला है, तो यहाँ पे देख सकते हो 29 से 30% के आसपास का डिलीवरी का पोजिशन देखने को मिल रहा है, जो कि अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग है। वही हम बात करेंगे इसका 52 वीक लो एंड हाई का, स्टॉक ओनली 1700 रुपए के आसपास का ट्रेड करते हुए हमें देखने को मिला था पिछले साल जून में, और इस स्टॉक ने पिछले साल ही 3000 के भी क्रॉस करके आगे जाते हुए देखने को मिला। हालांकि यहां से इस स्टॉक ने काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से अभी तक गिरावट शो किया है। दोस्तों बात करें इसका फेस वैल्यू का, तो यहाँ पे हमें 2 रुपए देखने को मिल रहा है, जो कि बात करेंगे क्वार्टर का रिजल्ट का, तो यहाँ पे देख सकते हो दिसंबर क्वार्टर के अकॉर्डिंग मार्च क्वार्टर का रिजल्ट काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों बात करें इस स्टॉक में प्रमोटर का होल्डिंग का, तो यहाँ पे 45% से एबव का होल्डिंग है, जो कि अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग है। वही हम बात करेंगे क्या प्रमोटर का शेयर कोई प्लेस भी है, तो यहाँ पे कोई प्रमोटर का शेयर हमें प्लेस नहीं देखने को मिल रहा है। स्टॉक अपने आप में जैकपॉट है, आप लोग चाहो तो इसके ऊपर फोकस बना के रख सकते हो। यहाँ पे हम बात करेंगे रिजर्व एंड सरप्लस का रिगार्डिंग, तो यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस का फिगर भी अपने आप में काफी अच्छा खासा हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दोस्तों बात करेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग का, तो यहाँ पे एकदम से 0 फिगर है, जो कि हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म बोरोइंग का, तो यहाँ पे 14 करोड़ के आसपास का ओनली फिगर है, जो कि 100% के अप्रोक्स में हमें डेब्ट फ्री देखने को मिल रहा है। स्टॉक अभी तक जैकपॉट साबित हुआ है और फ्यूचर में भी काफी शानदार तरीके से इसमें हमें रैली देखने को मिल सकता है। दोस्तों फिक्स एसेट का फिगर भी अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग है, वही हम बात करेंगे इस स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन का, तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों यानी कि यहाँ पे 27,000 प्लस के हमें फिगर देखने को मिल रहे हैं, जो कि सेक्टर के पीरियड की बात करेंगे तो यहाँ पे 44.76 देखने को मिल रहा है, जो कि सेक्टर के पीरियड से इस स्टॉक का पीरियड काफी निचले स्तर पे है, यानी कि जो इसका प्राइस है दोस्तों वो भी काफी अट्रैक्टिव है। आप लोग चाहो तो एवरी ग्राउट में इस स्टॉक में फोकस बनाकर रख सकते हो। यहाँ पे अगर बात करें रेवेन्यू के रिगार्डिंग, तो इस साल का सबसे हाईएस्ट हमें रेवेन्यू का ग्राफ भी देखने को मिल रहा है, जो कि बात करेंगे नेट प्रॉफिट का, तो नेट प्रॉफिट का ग्राफ भी इस साल का सबसे हाईएस्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दोस्तों जिस तरीके से इसका फंडामेंटल हमें देखने को मिल रहा है, स्टॉक काफी स्ट्रॉन्ग है, हमेशा इसमें हमें अच्छा खासा मुनाफा मिला है और आगे भी इसमें काफी शानदार तरीके से रैली देखने को मिलेगा। सेल्स की बात करेंगे तो सेल्स का फिगर भी अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग है। वही हम बात करेंगे इस स्टॉक में एफआई की होल्डिंग का, डीआई की होल्डिंग का, उससे पहले बात करेंगे प्रमोटर का, तो यहाँ पर भी हमें 46% के आसपास का होल्डिंग देखने को मिल रहा है, जो कि एफआई का होल्डिंग यहाँ पे 8% से एबव का है, जो कि बात करेंगे यहाँ पे डीआई का होल्डिंग का, ये भी अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग है।
और दोस्तों यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर का होल्डिंग भी काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। तो सिर होल्डर पैटर्न भी अपने आप में जबरदस्त तरीके का है दोस्तों, आप लोग चाहो तो इसके ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो। अगर इस स्टॉक में दोस्तों यहां से भी हमें और गिरावट देखने को मिलता है तो हमें इसमें खरीदारी करना चाहिए, फ्यूचर में इसका प्राइस यहां से काफी आगे जाते हुए देखने को मिलेगा। दोस्तों बात करिए अगर यहां से इस स्टॉक में थोड़ा बहुत और हमें गिरावट देखने को मिलता है तो इसका प्राइस हमें 1720 रुपए के आसपास में आते हुए देखने को मिल सकता है। अदरवाइज फ्यूचर में इसका प्राइस 2500 के भी क्रॉस करके यानी कि 3000 के आसपास में हमें जाते हुए देखने को मिल सकता है। आप लोग चाहो तो इसके ऊपर फोकस बना के रख सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करते हो वीडियो अच्छा लगा है, अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरा जो वीडियो आएगा नेक्स्ट उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।